सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। दोस्तों 18 तारीख को एक मासूम लड़की को जला करके मार दिया गया। दो व्यक्तियों ने आए मोटरसाइकिल पे, लाल रंग की मोटरसाइकिल थी, और एक 10वीं क्लास की छात्रा को बहुत बुरी तरीके से पेट्रोल सर पे से डाल करके नीचे तक, और उसे लाइटर से आग लगा दी। बहुत दुखद घटना है। क्या इस सरकार को इस घटना पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो उसका चचेरा भाई था उसने आत्महत्या कर ली, पर लोगों का कहना ये है कि पुलिस प्रशासन या प्रशासन की तरफ से उसको जान से मार दिया गया। क्या ये घटनाएं दुखद नहीं है? क्या ये एससी एसटी और माइनॉरिटी पे, जो मुसलमानों पे जो ये हत्याकांड या आरोप लगा के जेलों में रासुका लगा के बंद कर रहे हैं, ये कब रुकेगा? क्या हमारा भारत ऐसे ही आगे बढ़ेगा? क्या हमारा भारत ऐसे ही ग्रेट इंडिया कहलाएगा? क्या हमारा भारत ऐसे ही महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की बात करता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करता है, जब वो 10वीं क्लास की छात्रा अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो साइकिल पे टक्कर मार के गिरा के और उसको पेट्रोल से जला दिया गया। दो दिन बहुत पीड़ा में रही। आगरा में, आगरा के हॉस्पिटल से उसे रेफ़र किया गया दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, और सफदरजंग हॉस्पिटल में वो मासूम जो जल चुकी थी वो अपने आप को सहन ना कर पाई और अपना प्राण त्याग दिए उसने। क्या हम ऐसे ही चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ और बेटी को आगे लेके आओ? क्या मोदी सरकार, योगी सरकार, ये इस भारत की जो वर्तमान सरकार है वो ऐसे ही लोगों को मरने देगी? आइए मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, शांतिपूर्वक कैंडल मार्च किया गया है, जो पुलिस वालों ने उसको भी नहीं होने दे रहे हैं। और यहाँ पर एक बस भी लगाई गई है कि अगर जरा सी और नारेबाजी की या उग्र रूप हुआ तो उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ संजली की मौसी भी हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। संजली को जो जला के मार दिया गया था, जो आरोपी थे अभी तक पकड़े गए क्या? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि संजली के जो आरोपी हैं, जो घटना उसकी 18 तारीख को होती है दोपहर 1:30 बजे, और उसे उसी 18 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे के आसपास यहाँ सफदरजंग में रेफ़र कर दिया जाता है, और यहाँ रेफ़र करने के बाद उसका इलाज चल रहा, तो अब हालत इतनी गंभीर होती है उस लड़की की। गंभीर तो उसकी हालत वहीं पर ही हो गई थी, लेकिन वो लड़की इतनी निडर और इतनी साहसी थी कि वो सारी चीज़ को इतने समय तक झेल पाई। नहीं तो अगर कोई हल्की फुल्की है वैसी ही होती तो शायद वो वहीं पे ख़त्म हो चुकी होती। मैं तो उसके साहस की बहुत सराहना करती हूँ कि उसने अपने आप अपनी ज़िंदगी से 3 दिन जो लड़ी है, जूझी है, उसकी मैं सलाम करती हूँ उसको। और जिस प्रकार से वो तड़फी है और वो तड़प तड़प कर उसने जब ये बात अपने पिता को जब ये बोल रही थी, मैं उस टाइम पर वहीं पर थी, उनके साथ ही थी जिया जी के, तो जब वो उस टाइम पर बोल रही थी कि पापा अगर मैं सही हो गई तो आप देखना, मैं आपके आप ना मेरे साथ रहना, और मैं उन आरोपियों को जिन्होंने मुझे जलाया है मैं उन्हें सज़ा दिलाकर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप मेरे ना साथ रहना, अकेले मत छोड़ना मेरे को। तो उस टाइम पर उसका दर्द, जो उसके गले से जो रुंधी हुई आवाज़ जो निकल रही थी, रोंगटे खड़े करने वाली थी। सच में कितनी बड़ी विडंबना है कि आज उसको 4 दिन हो गए लेकिन आज तक अभी तक मुख्य आरोपियों का कोई भी पता नहीं है। समझ नहीं आता ये यूपी सरकार कौन से हिसाब से काम करती है, या जाति को देख करके काम करती है या इंसान को देख करके काम करती है। अगर वाकई में इंसान को देख कर काम कर रही होती तो जिस प्रकार से त्यागी और अन्य सवर्ण कास्ट के लोगों के लिए जो कार्य करती है, तुरंत ही उनको अपराधियों को सज़ा मिल जाती है या उनको मुआवजा मिल जाता है, जो भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये दलित की बेटी है, शायद इसीलिए इसको 4 दिन लग गए, 4 दिन हो गए लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी का कोई पता नहीं है। और उसके बावजूद भी ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि उसके ताऊ के लड़के पर ही सारा आरोप मढ़कर तैयार कर दिया जाता है, और अपने कार्य से हाथ साफ करना चाहती है। और मैंने अभी अभी आपको बता दूं, अभी अभी मेरी जो अभी बात की है मैंने उनकी बेटी से, रास्ते में ही चल रही थी तभी मैंने बात की थी, मैंने बेटा पापा कहाँ है, कह रहे मौसी पापा को पुलिस बहुत परेशान कर रही है, कभी सुबह उठा के ले जाती है, कभी दोपहर को उठा के ले जाती है, अभी भी उनको उठा के ले गए, उनका फ़ोन रखा हुआ है, मतलब उनको जो पीड़िता के पिता है उनको ही
पीड़ित तो और ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पीड़िता के पिता ने तो नहीं जलाया ना, तो उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? यही तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, जबकि उन्हें छानबीन करनी चाहिए, उनके घर पे आना चाहिए। उनको वहाँ पर ले जाने का क्या मतलब है? अगर वाकई में आप छानबीन कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, इंसानियत तुम लोगों के अंदर है, कानून के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो आप उनके घर पे आइए ना। उनको वहाँ पे बुलाने का, बार बार बुलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दलित समाज से इसको जैसे मर्जी इसको घुमाते फिराते रहिए, यही उनका मतलब है ना। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो यूपी सरकार है, योगी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये लोगों की जातियाँ देख करके काम करती है, जैसी जाति का जो बंदा होता है उसी के हिसाब से अपने काम करने वालों को एक्शन करने का हुक्म देती है। यही मैं कहना चाहती हूँ, ये दलित जाति से आती है, इसलिए इसके आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, संजली का नेचर कैसा था, कुछ थोड़ा सा बताएं। संजली का नेचर एकदम फ्रंक था, वो सबको डायरेक्ट जवाब देने वाली थी, किसी की सहन नहीं करती थी। शायद यही बात शायद उसको आज लोगों को हजम नहीं हुई कि उसने करारा जवाब दिया होगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़के से उनकी कोई बातचीत पहले हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो और उसी लड़ाई झगड़े का जवाब उन्होंने पेट्रोल डाल के आग लगा दी? ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन उसकी मम्मी से जब मेरी बात हुई तो उनकी मम्मी ने कहा कि हमारे साथ अभी तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, ना ही हमें ऐसी कोई आशंका थी, ना ही अंदेशा था कि हमारी बेटी के साथ इतनी बुरी तरीके से, घिनौने तरीके से हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी कोई वाक्य हुआ ही नहीं उनके साथ। किसी पे कोई शक थोड़ा बहुत? शक उनको किसी पे भी नहीं था। ये लगता कि परिवार ने भी कुछ किया होगा? पर नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन यह कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो मुझे लग रहा है कि उसके उस परिवार पर ही आरोप मढ़कर अपने काम को रफा दफा करने में तुली हुई है। जी, अब आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग सबसे पहले तो यही है कि जो मुख्य आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। अगर घर के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए तो मैं कहती हूँ उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं मिलता, अगर कोई भाई है तो भाई को भी कोई अधिकार नहीं मिलता कि बहन को ऐसे सरेआम जिंदा जला दिया जाए। किसी को अगर बाप को अगर वाकई में अपराधी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को अधिकार नहीं मिलता कि किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को पेट्रोल छिड़क कर सरेआम उसको जिंदा जलाने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। अगर वो आरोपी है तो उनको मिलनी चाहिए सजा, जो भी है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं, घुमा फिरा के बात ना करें, घुमा फिरा के उनके परिवार पर ही कोई दोष आरोपण ना करें, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से हटना चाहते हैं। अगर वाकई में वो चाहते हैं कि सही तरीके से इंसाफ हो, सही तरीके से जानकारी हो, जाँच हो, तो वो अगर जहाँ तक अगर सही तरीके से करेंगे तो आरोपी में, जहाँ तक मैं समझती हूँ, आरोपी बाहर का ही निकलेगा, क्योंकि वो उनको हो सकता है उनको बचाने के चक्कर में उस लड़के के ऊपर आरोप मढ़ना चाहते हैं। तो ये मेरी प्रशासन से मांग है कि पहले उन मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त जाँच होनी चाहिए, SIT गठित होनी चाहिए। जैसे निर्भया कांड में जब की गई है तो ये संजली के कांड में क्यों नहीं की जाए? क्या इसकी हत्या की हत्या नहीं है? तो हम चाहते हैं कि इसके लिए भी एक SIT गठित की जाए और उसे जो उसकी बहन है, जो उसके परिवार का पूरा उसके ऊपर भार है संभालने का, तो उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। जैसे कि औरों को तुम लोग दे देते हो, तो ये अगर वाकई में तुम समझते हो इंसानियत तुम लोगों के अंदर है, तो इन्हें भी एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि इनका भी परिवार गुजर बसर आराम से थोड़ा सा कर सके, अच्छे से पढ़ लिख सके, जो भाई बहन जो कि बिल्कुल दयनीय स्थिति में चल रहे हैं इस टाइम पर। और 1 करोड़ की हमने इनसे मांग की थी कि आर्थिक सहायता इनको 1 करोड़ की जाए, ये हमारी मांग है प्रशासन से। इनकी मांग है कि योगी सरकार से कि आप उनके परिवार को नौकरी दें और 1 करोड़ का मुआवजा भी दें, क्योंकि जो अदर कास्ट के लिए लोगों को, जनरल कास्ट के लोगों को भी मिलता है, तो SC कास्ट को क्यों नहीं? क्या SC कास्ट होना एक अभिशाप है क्या? नहीं, SC कास्ट होना अभिशाप तो नहीं है, पर ये 4 सालों की जो राजनीति है मनुवाद से ग्रस्त, इसमें तो लग रहा है कि एक SC होना शायद पाप है, क्योंकि ज़्यादातर 4 सालों में या तो मुस्लिमों को टारगेट बनाया गया या दलितों को टारगेट बनाया गया। 4 सालों में मुस्लिम दलित पर ही राजनीति चली जा रही है, अदर कास्ट कोई भी अभी तक भी ऐसा कांड नहीं आया है कि कोई अदर कास्ट से कोई कांड हुआ हो, अभी तक दलित और मुस्लिमों पर ही छुरियाँ चल रही हैं इनकी। जैसे लग रहा है कि इन्होंने सोच समझ कर साजिश के तहत मुस्लिमों और दलितों को ही निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रखा है। आप देख रहे हो जो काम 100 सालों में होने चाहिए थे, जैसे बेटियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो अत्याचार 100 सालों में होना चाहिए था वो इन 4 सालों में 100 साल के आंकड़े इन्होंने पूरे कर दिए हैं महिलाओं पर अत्याचार करके।
और अब महिलाएं इतनी परेशान हो गई है इन अत्याचारों से कि अब हमको सड़क पर निकलना पड़ेगा। इस जो दलित विरोधी है, महिला विरोधी है सरकार, इसको उतारने के लिए, और निकल भी चुके हैं। आपने अभी परिणाम भी देखे हैं इनके, औंधे मुंह गिराया है और अभी और गिराना बाकी है। 2019 में इनको पलटना जरूरी है, और ज़्यादातर महिलाओं से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको गिराने में आगे रहें, क्योंकि महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं इस 4 सालों की राजनीति में। तो क्या आप मोदी सरकार को हटा करके ये अत्याचार बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 4 सालों में, मैंने अभी आपको बताया, जो आंकड़ा 100 सालों में पूरा होना था वो 4 सालों में पूरा हो चुका है, और ज़्यादातर महिलाओं पर, महिलाओं को टारगेट किया गया है, चाहे रेप का मामला हो, चाहे जलाकर मारने का मामला हो, चाहे फांसी पर रेप करके फांसी पर लटकाने का मामला, कोई भी उठाकर देख लीजिए, महिलाओं को ही ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। और आपको एक बात और बता दूँ, और ये महिलाएँ ज़्यादातर दलित और मुस्लिमों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, नहीं तो आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, क्या यही हिंदी है? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर संजली को न्याय नहीं मिला तो आप सभी युवा जो आज यहाँ पर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, आप क्या अगला एक्शन लेंगे? देखो, अगला एक्शन यही होगा कि अभी बेटियाँ पढ़ाओ और बेटियाँ बचाओ। बेटियाँ पढ़ाओ तो ठीक है, एक गरीब भी पढ़ा लेगा बेटियों को, लेकिन बेटियाँ बचाओ वाला नारा हटाना पड़ेगा। अपनी बेटियों को लोग बोलते हैं आगे बढ़ाओ, बेटियाँ ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा जाएगा जब तक हमारी संजली को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि बेटियाँ आगे बाहर कैसे निकलेंगी? अगर संजली के साथ ये हो रहा है तो कल दूसरे घर में संजली होगी, और डेली यही हो रहा है। संजली के साथ एक और केस चल रहा है तो, लेकिन किसी में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी जब तक संजली को न्याय नहीं मिल जाता, स्कूल कॉलेजों को बंद रखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजों को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब न्याय ही नहीं मिल रहा और पढ़ने के लिए भी अधिकार नहीं मिल रहा और लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे, और जो पढ़ने जाती है बच्ची 10वीं क्लास में, उसको भी मार दिया जाता है जला के। आज हम जो खड़े हैं उत्तर प्रदेश भवन पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर बराबर में ही मोदी जी का एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें मोदी जी के ऊपर स्पेशली एक लाइट लगाई गई है, या बैनर बोर्ड जो है वो वहीं लगाया गया है। क्या उत्तर प्रदेश ऐसा ही चमकता रहेगा अगर महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को, या दलित और मुसलमानों को मारा जाएगा? तो क्या ये सरकार ऐसे दमकती रहेगी, चमकती रहेगी? बिल्कुल नहीं, जैसे आज उत्तर प्रदेश भवन ये यहाँ पर चमक रहा है। बहुत जल्द इस सरकार का पतन होने वाला है, कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इन 4 सालों में आप खुद देखिए, इतने सारे, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों पर अत्याचार जो हुए हैं, लड़कियों पर हुए हैं, ठीक है ना, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे केस हो, जिंदा रोड पर जिंदा जला रहे हैं, इस चीज़ को क्या समझा जाए? इसलिए मेरे हिसाब से ये अत्याचार बंद होना चाहिए। सबसे पहले ये गवर्नमेंट चेंज करनी होगी हमें, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई ठोस कदम नहीं, क्योंकि ये तो इनकी सरकार है। पर वोट भी तो आप ही देते हैं ना, SC ST और मॉमडन्स जो है वही तो वोट दे रहे हैं। ये सारा जो PM और जो CM बनाए गए हैं, ये EVM से बनाए गए हैं, ये हमारे वोट से नहीं बने हैं। सारे EVM का मुद्दा है ये, पूरा EVM से ये फर्जी बने हैं, वरना ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, इनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाए। क्यों नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। और दूसरा, ये जो मोदी जी और ये लोग नारा देते हैं ना, बेटी बचाओ, जब तुम्हारे बस की नहीं है तो अपना पद छोड़ो, जब नहीं है बेटी बचाने का मुद्दा तुम्हारा नहीं है तो मत, तुम गाय गोबर ही करो बस, अपनी गाय संभालो, अपना गोबर संभालो, देश संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है जब बस की नहीं है तो। योगी मोदी जी के लिए खास वार्निंग है ये। जी, योगी मोदी जी के लिए खास वार्निंग है, अगर देश नहीं चलाना आता तो अपने पद से इस्तीफा दो और छोड़ दो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने इसमें लिखा हुआ है कि दलित लेखक संघ सजी को न्याय दो, क्या न्याय इस मोदी सरकार, योगी सरकार में मिल पाएगा? हाँ जरूर, बिल्कुल, हम लोग इसके लिए लगातार मांग उठाएंगे, और क्यों नहीं मिलेगा, और मिलना ही चाहिए, वरना ये सरकार फेल है। मैं ये मानती हूँ कि चाहे वो कोई सत्ता में बैठा हुआ कोई भी सत्तासीन हो, हम हर सरकार से न्याय की मांग हमेशा करेंगे, और मोदी जी और योगी जी का जो शासनकाल है हम लगातार 4 वर्षों से देख रहे हैं। पहले तो वो पहले दूसरी जो पार्टियां रही हैं या जो भी सत्तासीन रही हैं सरकारें, उनमें दोष बताते रहे हैं अभी तक। मेरा नाम पूनम तुषामण है और मैं सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़ी रहती हूँ, और लगातार हम इस पर प्रयास रहते हैं। और ये सिर्फ एक संजली का मामला नहीं है, ऐसी ही घटना उत्तराखंड में भी हुई है और इससे पहले भी लगातार होती रही है, और इन 4 सालों में तो हम, मतलब
लगातार देखिए आप, महिलाओं पे, मुस्लिमों पे, दलितों पे हमले पहले की उसमें ज़्यादा बढ़े हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़े हैं। और बिल्कुल संवेदनहीनता की ये तो चरम सीमा है कि इतनी हद तक जाकर कोई कैसे पेट्रोल बिल्कुल पास आके किसी के ऊपर पेट्रोल डाल सकता है और उसको मार सकता है। ये लड़ाई इंसानियत की है, किसी इंसान के द्वारा किसी इंसान को इतनी निर्शंसता से मारा जाना, किसी महिला को अगर वो उसकी दूसरे की बात से इत्तफाक नहीं रखती है उसके लिए उसको ज़िंदा जला दिया जाना, सरे बाज़ार या सरे आम उसको ज़िंदा जला दिया जाना, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, दलित लेखक संघ इसका विरोध करता है। मैं एक महिला होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते भी इस तरह के अन्याय का पुरजोर विरोध करती हूँ और लगातार हम इसके लिए मांग उठाएंगे। योगी सरकार को और मोदी सरकार को, दोनों को ये चेतावनी है महिलाओं की तरफ से, महिला की तरफ से एक चेतावनी है ये कि वो महिलाओं पर अत्याचार बंद करें, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को जल्द से जल्द सजा दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, संजली को न्याय मिले और संजली जैसी हर उस महिला को न्याय मिले जिसको अभी तक या किसी भी तरह से प्रताड़ित या पीड़ित किया गया है, उन सब के न्याय की मांग हम संजली के माध्यम से आज यहाँ उठा रहे हैं। और मेरा ये ट्रिब्यूट भी है संजली को और मैं चाहती हूँ कि संजली को एक महिला होने के नाते मैं बार बार मोदी सरकार और योगी सरकार से डिमांड करती हूँ कि वो इसमें कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और उनको सजा दें ताकि संजली को न्याय सही मायने में मिल सके, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। संजली को न्याय दिलाने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी देखिए कैंडल लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, कोई सर्दी का, कोई ठंड का, कोई भी नहीं ये देख रहा है कि हम लोगों को कोई ठंड लगेगी या क्या होगा। दिल्ली के लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ टीवी चैनल भी हैं जो पोर्टल चैनल है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं कवरेज करने के लिए, और कवरेज करते करते ये लोग भी भावुक हो गए कि संजली के साथ जितना दुष्कर्म हुआ है, जितना बड़ा कांड किया गया है, उसको जला के मार दिया गया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं संजली के लिए कि संजली को न्याय मिले और संजली के साथ जो हुआ है वो आगे किसी के साथ भी ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल भी लगाई जा रही है, अलग अलग जगह पर कैंडल लगाई गई हैं, बच्चे लगा रहे हैं, बुज़ुर्ग लगा रहे हैं, युवा लगा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर कैंडल लगा करके उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरीके से ये बच्चों को मार दिया जाता है, इनका रेप कर दिया जाता है, इन्हें पीटा जाता है, कुछ गाय के नाम पे मार दिया जाता है, क्या ये अत्याचार इस सरकार में होते ही रहेंगे? और अगर इस सरकार को इसी तरीके से इनके साथ अत्याचार करना होता है तो इनसे वोट क्यों लेते हैं? आप देख सकते हैं कितने मासूम मासूम बच्चे यहाँ पर कैंडल लगा रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस बच्ची का क्या कसूर था? 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपने स्कूल से वापस आते वक्त उसको पेट्रोल से जला दिया जाता है, क्या सरकार यही काम करेगी? क्या सरकार को सिर्फ यही काम करना था? अगर सरकार को इन छोटे छोटे, देखिए इन सब मासूम बच्चों को अगर SC ST मान करके इनके साथ विरोध करना ही है तो फिर इस सरकार को शायद इस देश में नहीं रहना चाहिए। इस देश में रहने के लिए शांति, परमो धर्म मानने वाला ये देश, इसको शांति से ही चलाना चाहिए। यहाँ पर कई लोग आए हैं जो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि संजली को दे रहे हैं और संजली को याद कर रहे हैं कि संजली कितनी अच्छी और कितनी, जो अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया करती थी और उस पे गलत आरोप लगाए और उसके भाई को भी मार दिया गया, उसके भाई ने भी आत्महत्या कर ली, उसकी मौसी भी यहाँ पर कैंडल लगा रही है, आप देख सकते हैं।